मेरा एक साल लगा इसको बनाने में। वीगो डाला ही क्यों बनाना चाह रहे थे आप? एफएक्स का कौन सा मॉडल है कि मेन बॉडी की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये इसकी अपनी जेन्युइन है? इंजन में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, इंजन जेन्युइन एफएक्स का इंजन है। 9 पैसेंजर बिठा के भी 120 पे आराम से जाती है। इस पे खर्चा कितना आया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल, मैं हूँ फैज़ान चौधरी। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका है शौक निराला, और अपने इसी शौक की वजह से उन्होंने एफएक्स को बना दिया मिनी वीगो डाला। तो ये शौक की बात थी या कोई आइडिया आया था? डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आप एज अ डॉक्टर होते हुए आपने ये वाला गाड़ी मॉडिफाई करने का शौक कैसे आया? बस ऐसे ही गाड़ी घर खड़ी थी, मुझे ये शौक पैदा हुआ कि कोई ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसे लोग देख के अप्रिशिएट करें और खुश हों। इसमें तकरीबन मेरा एक साल लगा इसको बनाने में। मतलब काफ़ी तजर्बे हुए हैं? काफ़ी तजर्बे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो हमने बनाई, फिर उनको दोबारा डिमोलिश किया, दोबारा बनाया। वीगो डाला ही क्यों बनाना चाह रहे थे आप? बस ऐसे ही शौक पैदा हुआ कि इस छोटी सी गाड़ी को हम वीगो डाला बनाएं। अच्छा। तो ज़ाहिर है दूसरा वीगो डाला तो बहुत वो महंगा होता है, वो नहीं अफोर्ड किया जा सकता, तो इसलिए फिर मैंने अपनी एफएक्स को मिनी वीगो डाला बनाया। अच्छा। ये एफएक्स का कौन सा मॉडल है? ये 1988 मॉडल है, तकरीबन हर चीज़ इसकी नई डाली है। फ्रंट में इसका हम देख रहे हैं ये ग्रिल जो है इसकी मित्सुबिशी की लग रही है, और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हैं? इसमें लाइट्स जो हैं जो वो मिनी पजीरो की हैं, फ्रंट का बम्पर मिनी पजीरो का है, और इसमें एसी लगा हुआ है, एसी करोला का लगा हुआ है, ड्यूट का कंप्रेसर है। अच्छा। उसके बाद इसका बैक का जो बम्पर है वो पराडो का लगा हुआ है। इसका जो बोनट है वो किस गाड़ी का? बोनट अपना है, बोनट जेन्युइन है, लेकिन इसको ओपन करने वाला सिस्टम जो है वो करोला गाड़ी का लगाया हुआ है। टायर जो है वो इसी के हैं? टायर इसके नहीं है, टायर हमने बड़े लगाए हैं, ये डीप डिश अलायरम है। ये तकरीबन मुझे 3 माह लगे थे, ये मैंने खुद तैयार करवाए थे। इसकी मेन बॉडी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इसकी अपनी जेन्युइन है? बॉडी इसकी जेन्युइन, बैक साइड से हमने एक्सटेंड किया है, तकरीबन 2.5 फुट हमने इसको एक्सटेंड किया है, और पूरा कैबिन जो है वो डेंटर ने नया बनाया है। तो लगेज के लिए हमने इसके कमाने के पट्टे ज़्यादा कर दिए, झूला इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि लगेज की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। साइड मिरर जो हैं ये वैगनर गाड़ी के हैं। ये तो एक्सटीरियर प्रोफाइल की आपने डिटेल बताई है, फ्रंट में क्या कुछ चेंज किया आपने? फ्रंट में हमने यही इसके जैसे ये फ्रंट पे शीशा इसका जो प्राडो को या वीगो डाले को लगा हुआ था वो हमने छोटा शीशा ये आगे फ्रंट पे लगाया है बोनट पे, और उसके बाद जो है वो ये ग्रिल लगाई हमने, जो ऊपर जाली लगाई है एग्जॉस्ट वो हमने खुद लगाया है। उसके बाद ये हमारा हॉर्स बड़ा प्यारा ये हमने लगाया है इसके ऊपर। अच्छा। इसके अलावा जो है इंजन में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, इंजन जेन्युइन एफएक्स का इंजन है। इंटीरियर इसका सेम वैसे ही है जैसे एफएक्स का होता है? जैसे एफएक्स का होता है, अंदर इंजन वही, बाकी चीज़ें जो है ना वो हमने चेंज किए, बॉडी वाइज हमने इसको चेंज किया है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है। अच्छा, इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे इसका मेन जो एक्सटेंड किया गया इसको एक्चुअली तौर पे, तो लोगों को दिखाते हैं कि क्या वाकई वो इतना है कि वो लोड बर्दाश्त कर ले। मैं क्यों ना इसके ऊपर ही आ जाता हूँ, ये देखिए आप भी हैं इधर, स्पेस तो है दोनों। अच्छा जी, ये देखें जी, हम दोनों अब ये जो कैबिन एक्सटेंड किया गया था इसमें बैठ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा और वैसे का वैसे ही है। तो ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है? इसमें 5 लोग कैबिन के अंदर बैठ जाते हैं और 4 लोग डाले में बैठ सकते हैं। ये इतने 9 पैसेंजर बिठा के भी 120 पे आराम से जाती है, और मोटरवे पे मैं कहता हूँ लोग जान नहीं छोड़ते, सेल्फियाँ बनाते हैं और उसकी पिक्स और सवाल जवाब करते हैं कहाँ से बनवाई कैसे बनवाई, और ज़ाहिर दिल खुश होता है ये देख के कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी पिक्स बना रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, चूँकि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो जो आपके कुलीग हैं वो आपको कहते नहीं कि डॉक्टर साहब यही करता है ये? नहीं, वो खुश होते हैं सारे देख के, कहते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। इस पे खर्चा कितना आया? इस पे 8 लाख रुपये लगा था मेरा। अच्छा। तो ये सिर्फ ज़्यादा पैसे इस वजह से लगे हैं कि वो डेंटर्स जो है ना उनको समझाना पड़ता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कह के मैं कुछ आता था कर कुछ देता था, फिर उसको दोबारा तोड़ना पड़ता था, फिर दोबारा जहर जोड़ने के भी पैसे तोड़ने के भी पैसे। चलिए, अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, वैसे अगर ये गाड़ी तैयार करवाई जाए तो कितने में हो सकती है सेम ऐसी गाड़ी तैयार? अभी अगर हम मतलब तैयार करें तो मेरे ख्याल में 6 लाख में बन जाएगी ये गाड़ी ना। जब लोग देखते होंगे गाड़ी आपकी तो ये भी कहते होंगे कि आप बेचना चाहते हैं? वो अच्छा कस्टमर मेरी तरह शौक वाला वो मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं सेल कर दूंगा। क्या कोई कितनी ऑफर करेगा तो बेचेंगे?
6 लाख से ऊपर का ऑफर करेगा तो फिर ही बेचूंगा, क्योंकि मैंने इस पे 8 लाख रुपए लगाया है और 1,10,000 रुपए की गाड़ी पहले मैंने ली थी जब मेरे पास थी ना। अच्छा। जब मैंने ली थी 1.5-2 साल से चला रहा हूँ और मतलब बड़ा मजा आता है और बच्चों को भी लेके जाता हूँ, वैसे इधर उधर जाता हूँ, कभी इसने धोखा नहीं दिया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सवाद गया हूँ यहाँ से और रस्ते में सिर्फ मैं 2 दफा रुका हूँ। जी नाज़रीन, ये मिनी वीगो डाला, शौक का कोई मॉल नहीं होता। इसी तरह डॉक्टर साहब का भी शौक था गाड़ी एक ऐसी बनाने का जिसे लोग देख के खुश हों, और उन्होंने बनाई भी, मिनी वीगो डाला बनाया 1988 FX से। तो आप भी इस तरह का कोई शौक रखते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।